नारायण सेवा समिति व नारायण संकीर्तन महिला मंडल की ओर से श्री कृष्ण मुरारी मंदिर गोपाल नगर में स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज जी के सानिध्य में 8 दिवसीय श्री शिव पुराण कथा महायज्ञ के 5वें दिन की शुरुआत हुई, जिसमें श्री काशी धर्म पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज ने उपस्थित भक्तों को कहा कि शब्दों से प्रेरणा देने वाला यहाँ हर कोई मिल जाएगा, पर अपने व्यवहारों और अपने आचरण से प्रेरणा देने की कोशिश करनी चाहिए। जो हम दूसरों को सिखाते हैं वो स्वयं हमें ग्रहण करना चाहिए। कथा के अंत में महाआरती का आयोजन किया गया। इस कथा के दौरान मुख्य यजमान के रूप में युवा भाजपा नेता रोबिन सांपला, बजरंग दल के सह संयोजक अभिमन्यु घई, मंदिर के पंडित अजय शास्त्री, पिंका रामजी, राहुल कुमार, उर्वशी, मुक्ति मल्होत्रा, जीवन शर्मा, अमरजीत शर्मा, विष्णु जोशी, पंकज जोशी, डॉक्टर बीडी शर्मा, नरेश शर्मा काली, पोली शर्मा, विकी, वीना शर्मा ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंच का संचालन अजय मल्होत्रा ने करते हुए सभी आए हुए शिव भक्तों का धन्यवाद किया। इस मौके पर श्री कृष्ण मुरारी मंदिर के प्रधान सीएल कोछड़, महासचिव उमा महेश्वर, हिंद क्रांति दल के प्रधान मनोज नन्ना, नारायण सेवा समिति से हरेकांत झा, जीवन शर्मा, विष्णु जोशी, अशोक मेहरा, धर्मेंद्र सिंह, संजय चड्डा, मायाराम पांडे और सुरेंद्र भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। लेकिन शंकर जी का तो ऐसा रूप है,
मुझे प्रेरणा से भगवान शंकर के पास जाकर के विष्णु ने शंकर जी को समझाया और कहा आप दिव्य रूप धारण किए। शादी तो आए तो जीवन में रोज थोड़ी होता है, एक बार होता है, उससे बढ़िया अच्छा रूप बना के जाना चाहिए। तो आप बढ़िया सजिए, अच्छा बनिए, अच्छा दिखाइए, दिव्य रूप को धारण करिए। तो भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक और दिव्य रूप को धारण कर लिया। भगवान शंकर का मंगलमय प्रवेश, भगवान का दर्शन करके अब शैल राज राजा हिमाचल की पत्नी मैना शंकर जी के रूप सौंदर्य को देख करके, उनके श्रृंगार को देख करके